नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। साल 2002 से 2004 तक ओडिशा सरकार के मंत्री थी द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार के मंत्री थी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव का झारखंड बना केंद्र। झारखंड से जुड़े हैं एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। हजारीबाग के सांसद रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री लिए थे। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था, और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधा कृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रैरंगपुर की बनी। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू। पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनाए जाने पर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू देश के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और वहीं
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि द्रौपदी मुर्मू देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा उन्होंने कि मुझे विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू देश के लिए एक बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनके नाम का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महान राष्ट्रपति साबित होंगी द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में एंट्री की थी इन्होंने। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। तो एक तरफ एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हजारीबाग से 3 बार सांसद रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, जिन्हें विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन जी फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जी धन्यवाद। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है, वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी?
देखिए अभी तो प्रारंभिक दौर है, सत्ता पक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और विपक्ष ने भी गोलबंदी बनाई है यशवंत सिन्हा जी के नाम पर। अभी चर्चाएं चल रही है, आने वाले दिनों में इसकी प्रतिक्रिया अभी स्वाभाविक तौर पर आएगी। दोनों उम्मीदवारों को शुभकामनाएं हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दोनों उम्मीदवार को शुभकामनाएं दी हैं राजीव रंजन जी ने। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी, हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, पक्ष और विपक्ष दोनों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां द्रौपदी मुर्मू एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, वहीं यशवंत सिन्हा, जिसे कांग्रेस और संयुक्त तौर पर विपक्ष ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए। हाँ देखिए, भारत को एक नया राष्ट्रपति जो है 25 जुलाई को मिलने जा रहा है, उसी को लेकर तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं। और हम देखेंगे एनडीए की तरफ से जो है द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं विपक्ष की तरफ से देखेंगे यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है, लेकिन राजदा दरअसल राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो ये मूल रूप से हम कह सकते हैं आंकड़ों का खेल है, नंबर्स गेम है। और यही वजह है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि उसके 17,000 वोट जो है वो कम हो रहे थे। और वैसे में उड़ीसा में जो अभी की सरकार जो है बीजू जनता दल जो पार्टी है उसके समर्थन करने से अब जो है वोट का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है। और ये कहा जा सकता है कि भारत के नए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू होंगे, क्योंकि पहले वोट कम थे, अब जो है जब बीजू जनता दल के समर्थन से 5,63,000 के करीब जो है वोट अब वोट का प्रतिशत हो रहा है। तो यही वजह है कि अब आंकड़े जो है नंबर्स जो है द्रौपदी मुर्मू के फेवर में है। भले ऐसे आप ओवरऑल आंकड़े देखते यदि ये यदि बीजू जनता दल का समर्थन नहीं होता तो मामला गड़बड़ा सकता था। ऐसे आप देखेंगे एनडीए के पास 49% मतलब जो वोट है वो थे, और 51% जो मतदान लेकिन समर्थन तो है विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष जो लेकिन अब जो है अब जब दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो तमाम समीकरण जो है अब थोड़ा समीकरण बदल गया है राजदा। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने जा रही हैं, ये उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तमाम प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। अब देखना ये होगा कि यशवंत सिन्हा भी एक योग्य उम्मीदवार हैं, आईएएस रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, मतलब सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और एक लंबा अनुभव रहा है। तो विपक्षी एकता यदि बेहतरीन तरीके से होती तो शायद ये इनका मतलब पलड़ा जो है भारी हो सकता था, लेकिन अभी तमाम चीजें हो रही हैं। और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का झारखंड कनेक्शन की हम बात करेंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है राजदा कि देश की पहली महिला ट्राइबल जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई है। ये एक हम कह सकते हैं कि एक गौरव की बात भी है, क्योंकि झारखंड में जब वो 6 साल 18 दिन के लिए जब वो राज्यपाल रही थी तो झारखंड के परिपेक्ष में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कई सेक्टर में उन्होंने अपना खुद बहुत उन्होंने मेहनत करते हुए कई नई चीज़ों की शुरुआत की। जिस तरह से हम कहेंगे कि रांची विश्वविद्यालय का जो जनजातीय विभाग जो है उसका भवन एक नया भवन बना, उसके साथ साथ अलग अलग भाषाओं के विभाग बने। तो ये जब यहाँ तत्कालीन समय में जब वो राज्यपाल थी तो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका रहती थी। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पत्थलगड़ी का जो आंदोलन चला था उसमें भी जो तमाम जो जो प्रशासनिक जो कंस्टिट्यूशनल हेड के तौर पे इनकी भूमिका को जो है काफ़ी सराहा गया था।
इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में क्या कमी है, क्या तब्दीली है, तमाम चीजों को लेकर ये काम करते रही थी। और यही वजह है कि आज जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई हैं तो उनका जो एक बयान आया है कि मुझे थोड़ा आश्चर्य है और खुशी भी हो रही है। देखिए, पिछला जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस वक्त वो झारखंड में राज्यपाल थी और उस वक्त भी ये रेस में काफी आगे थी, लेकिन नहीं बन पाया। हम लोगों ने सवाल भी किया था उस वक्त कि आप राष्ट्रपति के रेस में सबसे आगे चल रही हैं, तो वो काफी मुस्कुराई थी। लेकिन आज वो वक्त जो है आ गया है कि अब वो भारत के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। लेकिन ये आप पूरा जो वोटिंग जो प्रतिशत होता है लगभग 700 के करीब जो है हम जो सांसद होते हैं वो वोट देते हैं और 4033 जो वोटर होते हैं वो विधायक होते हैं। तो सांसद और विधायकों के का जो वोट होता है उसी के आधार पे वोट का प्रतिशत निकाला जाता है। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि अब जो समीकरण है 5,40,000 के ऊपर जो है वोट लाने से नया मतलब उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। लेकिन विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, उसके अपने समीकरण है। और अब तक के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के बात करेंगे राजदा, तो एकमात्र एक समय था जब नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे तो उस वक्त वोटिंग नहीं हुई थी, सर्वसम्मति से वो मतलब उम्मीदवार बनाए गए थे और वो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे। और यही वजह है कि यहाँ भी ये प्रयास किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है और सत्ता पक्ष का अपना उम्मीदवार है। दोनों पक्षों ने अपना उम्मीदवार एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा है, क्योंकि ये नंबर गेम है, आंकड़ों का खेल है, जिससे पड़ा द्रौपदी मुर्मू का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो जहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।